हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की गई है, जहां प्रदेश के अन्य जिलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान अलग अलग जगह घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की गई है, जहां प्रदेश के अन्य जिलों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस के कार्यक्रम का आगाज जींद के टाउन हॉल से डोर टू डोर घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस प्रचार किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर बाजार के सभी व्यापारियों में काफी उत्साह दिखाई दिया और कई ट्रेड यूनियन पंजाबी बाजार एसोसिएशन ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान आज जींद से शुरुआत हुई। कांग्रेस की नीतियों को राहुल गांधी की यात्रा का क्या मकसद था, बीजेपी की विफलताओं के बारे में जनता तक पहुंचाएंगे, इस यात्रा को लेकर घर घर तक लेकर जाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है। जैसे हमारे सभी आज ये सिंबॉलिक हमने स्टार्ट किया है और अभी कांग्रेस जन है हर घर तक पहुंचेंगे और कांग्रेस की नीतियों का राहुल गांधी जैसे यात्रा करने क्या उनका मकसद था और ये जो मौजूदा सरकार है इनकी विफलताओं का क्या इन्होंने वायदा किया था क्या किया ये सब प्लीज एक मैं नहीं हूँ सारे कांग्रेस जाएंगे हर घर तक पहुंचेंगे घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो बीजेपी में है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज की नहीं बनती, मुख्यमंत्री उसकी फाइल भी देखना पसंद नहीं करते। संगठन के बारे में कहा जल्द बन जाएगा, बहुत अच्छा है था, बहुत लोगों का समर्थन जोरदार समर्थन गुटबाजी बीजेपी में है। अनिल विज साहब और खट्टर साहब को भी देखे सबने, उनके देख रहे को फाइल देखना बंद कर देते हैं, गुटबाजी शुरू होती है हमारे को गुटबाजी। बहरहाल जिन जिले से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और सफेदो विधायक सुभाष गांगुली ने कांग्रेस पार्टी के घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर दी। जींद से गुलशन चावला, टोटल न्यूज।